इसका जो अपर पार्ट ऑफ पेटल ऐसे रहो, एक चेयर, अच्छा ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ तक आ रहे हैं। अपर पार्ट ऑफ पैटेला, डिमार्केशन इज अपर पार्ट ऑफ पैटेला से आपका पहले 6 इंच, इसके यहाँ से 6 इंच आपको मेजरमेंट लेना है। इट्स नाउ 56, ओके। अगेन 9 इंच, एंड 12 इंच, 68 इन राइट लेग। राइट और लेफ्ट अलग अलग होता है, दिस लेग, ओके। 6 इंच, 56.5, 9 इंच, 62 एंड 12 इंच, 67, ओके। Now we are going to discuss about thigh tucks, how to reduce fat from thighs. Got it? The depot of female depot of fat in thighs and hips. Then you have to focus on thighs. Then we already done the thigh measurement. The thigh measurement, thigh tucks measurement, 6 inch above the upper end of patella, 9 inch above the upper end of patella, 12 inch above the upper end of patella. You know, see, it's a demarcation. 6 inch, 9 inch, and 12 inch. Got it? It's an anatomical structure. According to that, you can take measurement. How to get it from heavy thighs fat? Okay. Without any exercises or strict diet. Why fat accumulation in thighs? It's marked by more and larger fat cells, and it is seen mostly in the gluteal, femoral area, pelvis, buttocks and thighs, and to a much lesser extent in the breast, general acceleration of the body fat accumulation, particularly sex specific fat, male fat or female fat. The female fat deposit on thighs, hips, etc. Got it? Reason for increased thighs fat: obesity, PCOD, adolescent obesity during pregnancies, sudden weight gain, malnourished, lower female basal fat oxidation rate during lactation, stress, more body cellulite percentage, diabetes on insulin. Who are taking insulin in diabetes, its chance to deposit fat on thighs. Improper posture. Physiotherapist's role is here. If your posture is not correct, distribution, weight distribution is improper. Muscles imbalance ke liye, for muscles imbalance, okay, all fat deposit on thighs. Improper gait, how you walk,
so many women using their heels, you know, then foot deformed, the gait agar proper nahi hoga to distribution muscles to imbalance ho jayega na, to muscles jo jo muscles jaise kaam karna chahiye wo nahi kaam karega, then dusra muscle compensate karne jayega to fir wahan fat ka accumulation ho jayega. Hypercortisolism, hyperestrogen, DVT, हाइपर प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर किसी का हाई है, प्रोजेस्टेरोन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, CKD किडनी जिसका क्रॉनिक किडनी डिजीज, पोस्ट मेनोपोजल, हाइपोथायराइड, हेवी एब्डोमिनल फैट, थाई अंडरवेयर जब हम लोग पहनते हैं थाई के लिए, अंडरवेयर अगर इम्प्रॉपर होगा, कोई अभी निकल गया डिफरेंट टाइप आप टाइट करके पहनो, तो उसके लिए भी ये अगर प्रेस करके रहेंगे तो ये बढ़ जाएगा. ओके, फिर सर्कुलेशन ऊपर नहीं आ पाएगा, वाटर रिटेंशन का ये सब रीज़न है. टाइट बेल्ट एंड बकल्स फॉर मेल, बहुत टाइट आप यूज़ करेंगे तो थाइस बढ़ सकता है ड्यू टू आपका सर्कुलेशन नहीं हुआ. एंड सर्वाइकल डिसफंक्शन, सर्वाइकल अगर डिसफंक्शन होगा किसी का तो कर्वेचर क्या होगा, सर्वाइकल कंट्रोल्ड बाय लंबा कर्वेचर और सैक्रम का, उसमें कंट्रोल होता है, फिर वो कंट्रोल इम्बैलेंस होगा तो दैट्स क्रिएट डायरेक्ट थाइस के ऊपर आ जाएगा एंड थाइस आपका बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा. देन थाई ट्रीटमेंट. ओके, नाउ विल गो टू शो थाई ट्रीटमेंट कैसे होता है. तो हम लोग क्या किए, पहले मेजर हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि थाई फैट कैसे डिपॉजिट होता है, तो फिर मेजरमेंट हम लोग ले लिए, जो मेजरमेंट वगैरह जो भी है वेट मेजरमेंट ले लिए. देन हम लोग क्या करेंगे, पहले G5 देंगे, ठीक है. ओके, इट्स अ G5. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, G5 देंगे अकॉर्डिंग टू मसल्स इंसर्शन टू ऑरिजिन. क्लियर, जो भी है अगर भूल गए क्या स्ट्रोक है कैसे देंगे, ये एक चीज़ आप याद रखना, जो भी आप करेंगे अकॉर्डिंग टू मसल्स एंड इंसर्शन टू ऑरिजिन. मसल्स आप निकालो एंड उसको नीचे से अप करो, गॉट इट. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रेक्टस फेमोरिस में देंगे सेम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया. फिर साइडवेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गॉट इट. देन साइडवेज 1 एरेक्टर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके. देन 1, 2, 3 सर्टोरियस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन 2 मीडियलिस, वेस्टस मीडियलिस 3, 4 देखो ऐसे मैं आ रहा हूँ, ऐसे पुश करें, फिर सी ऐसे मैं आ रहा हूँ, पुश लाइक दिस 4 देन 7 to 8 टाइम्स अगेन रिपीट द थिंग्स. ये हो गया. ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नी को बेंड करेंगे एंड नी को ऐसे बेंड कर देंगे. ओके, देन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाइज आपको मिल गया, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाइज आपको मिल जाता है. वी आर डूइंग सेम वे, ब्रीदर का फैट है, Thank you.
गॉट इट। फिर ये जब हम लोग कर दिए, करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी एडक्टर को देंगे, ये पैर रखा एंड इसको साइडवेज कर दिया, ओके। सेम वे ट्यूब फॉर इनर थाइस का जो फैट है रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये करने के बाद फिर विल गो टू ड्रेनेज, ड्रेनेज करना है थ्रू G5। फिर हम लोग पहले इनर ड्रेनेज कर लेते हैं, 3 वे में बताया था, टूवर्ड्स फीमोरल लिम्फ नोड्स, इंग्विनल लिम्फ नोड, फ्रंट में इंग्विनल, ओके। तो फिर मैं ऐसे ऊपर पकड़ा, ये ड्रेन हो गया। फिर इधर में किया, इधर से भी ड्रेन, ओके। फिर कभी भी ऐसे पुल नहीं करना, यू नो, टुवर्ड्स अकॉर्डिंग टू मसल्स ऑरिजिन एंड टुवर्ड्स ड्रेनिंग पॉइंट। देन सेम ट्यू 3, 4, 5 ट्यू 4, 5 हो गया। तो देन फिर इधर से क्रॉस वाइज, ओके, साइड वाइज पुल किया, देन अगेन बेंड दिस, छोड़ो पूरा इधर में बहुत फैट है, देन वी आर डूइंग दैट वे ऑल्सो, आई एम सिंग में दिया, यू वॉन्ट टू से ना द ड्रेनेज, इफ यू वॉन्ट टू ड्रेन देन यू कैन ड्रेन फ्रॉम हियर। उसके बाद फिर इनर थाइस, इनर थाइस, इनर थाइस, ओके, गॉट इट। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हॉट कंप्रेशन करेंगे, द थ्योरी इज सेम, सी इट्स कंफर्टेबल फॉर यू, लेग स्ट्रेट कर दो, गुड। हो गया, देन विल गो फॉर मैनिपुलेशन टेक्निक, विल सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक करेंगे अकॉर्डिंग टू मसल्स ऑरिजिन करेंगे, ओके। सेम वे फर्स्ट सेंसेशन, तो कुछ भी हम लोग करेंगे देन यू हैव टू सेंसेशन आपको करना है, देन ये हम लोग ऑयल को लेते हैं, इट्स एंटी सेलुलॉइड ऑयल। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में पहले हम लोग ऑयल एप्लीकेशन कर लेंगे, करने से हमको देखना है ये जो पैर का पोजीशन अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं गलत मसल्स में पुल कर दूंगा, यू नो, देखो लेग पोजीशन इज नॉट गुड, ओके। तो देन फर्स्ट एफ्लूराज, आफ्टर ऑयल एप्लीकेशन एफ्लूराज 1.5 to 2 kg प्रेशर, 1.5 to 2 kg प्रेशर, देन पंप स्लाइडिंग
transfatal atom, then pump sliding towards TFL. You can do like this also, you can do like this also. Got it? Then palm lifting, lift. Kneading on the sides, catch my hand. Then kneading on the sides, catch my hand. Kneading on the sides, catch my hand. Palm pressure on the anterior thigh upward. Then palm pressure anterior thighs upward. Externally rotate the thigh, like knee flex. Then knee flex and externally rotate the thighs. Palm lifting from the inner thighs towards outside. Palm lifting inner thighs towards outside but upward. Got it? If you do this way, it's wrong. If you do this way, it's wrong. Then it's leg upward. See this. And in Chinese lift up. See this. Lift up. See this. Lift up. Okay. Then Chinese mangle. Straight the legs. Then extend the knees. Effluvial. Agni effluvial. Again, if you rush. And this way, Chinese bangle again. Again, Chinese bangle. Got it? Place the thigh and keep a towel under the feet. Fix the thigh and give one towel. Okay. Palm lifting on the posterior. Then palm lifting posterior thighs. Thumb kneading and finger kneading with alternate hand. Thumb kneading and finger kneading alternate hand. Thumb drainage towards the middle. Then thumb drainage towards inguinal, okay? Strengthen the thighs and do the thumb drainage toward inguinal. Then again thumb drainage towards inguinal. Inguinal nerve. Then effluvial. Got it? Ye ho gaya. Then we can do this way also. Okay. And this way and this way. Complete. Then? Activate the superficial front line. Superficial front line start from here. It goes from here until फिर ये front में जाके SCM होके फिर आपका यहाँ तक आता है. Okay? Then superficial front line activation. Then superficial front line uses stable this. Release नहीं बोला. Active करो. Okay? फिर आपको activation करना है. Stabilize the origin and activation only. And superficial back line, activate the superficial back line, activate the superficial back line and lateral line, you know, it's a lateral line. We are activate lateral line and front line together. Okay, then
will instruct to client the motor control exercise. Close your eyes and आपको क्या करना है, then lift your thighs and down. It's not physically, it's mentally. आप सोचोगे जो पैर उठा रहे हो, इट्स अ 3D एनिमेशन जैसे होते हैं, ऐसे लर्न करना है. I'll give you instruction. You'll think that your leg is up and down, but leg not moving. Stay here. It's a motor control exercises. Okay. Then Sonal, lift your leg. Think, and you just touch here. You can feel the contraction is happening here. You know, contraction is there. Right leg. One. Two. Good contraction, good contraction. 3, you can feel it. 4, 5, 6, 7th, 8, 9th, 10th. Okay, ye ho gaya. Then we will go to use herbal medicinal pack. Are taking measurement. आप अपनी सबसे रहो, मैं कर लूंगा. Then squeeze your thighs, tight your thighs. आप ऐसे ही पैर रखो, ऐसे लगा लिया. Got it? तो हम लोग 200 ml वाटर इसमें देंगे. इट्स अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. गॉट इट? ठीक है, 200 ml दे दिए. ओके, अच्छे से उसको यू नो प्रॉपर वो किए. देन अकॉर्डिंग टू मसल्स एंड ओरिजिन इनिशिएशन. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको गॉज को पकड़ेंगे. ये पहले इनर थाइस से ऊपर, ठीक है, फिर ये जो साइड है साइड से क्रॉस में दे दिए, बोथ साइड में हो गया. देन बीच में रिक्टस फीमोरिस, ये हो गया. फिर एडक्टर, कवर एडक्टर एंड एबडक्टर आल्सो. गॉट इट? फिर इस ये देने के बाद हम लोग एक प्लास्टिक दे दिए बीच में, जो हीट को हीट अच्छे से जाएगा. देन इसके बाद हम लोग ऑलरेडी टॉवल हम लोग दे दिए ऐसे. ओके, इट विल टेक नियर अबाउट 40 to 45 minutes एंड फिर ये 10 to 15 minutes रहेगा. एंड यू नो ऑलरेडी हीट तैयार होगा एंड इट्स कंप्रेस योर मसल्स एंड मसल्स स्टार्टिंग टू फॉर्मिंग होगा. ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स ये रहते हैं तो फिर आते हैं जिसको चेंज कर लेंगे. ओके, देन हम लोग क्या किए, ऑलरेडी 10 to 15 मिनट्स हम लोग थर्मो पैक्स यूज़ किए. ओके, हाँ या तो देन यू नो इट्स अ वेरी रिलैक्सेशन थेरेपी एंड वेरी रिलैक्सेशन थेरेपी विद इन जस्ट 10 मिनट्स. यू डोंट नो 10 मिनट्स इज गोज ऑन. ओके, देन वी ऑफ दिस एंड यू कैन सी इट्स बिकम टाइट. Steel, it's so hot, you can feel it. It's so hot.
It's a very like a heating pad. Heating pad is there. Okay, then how will you know changes this? Then we'll crash like this or contract the you know the thigh muscles this way, and we'll pull downwards to upward. Don't pull this way. If you pull this way, then your every therapy is goes to zero condition. Got it? Then हम लोग क्या करेंगे? We'll pull this way. Just rolling up. Crash it. Then after this, we are using hot towel. It's comfortable or hot? Okay. Just compress it. Okay. Okay. Then after this, we'll go to you know drainage. Again, drain towards inguinal lymph node. Both legs. Got it? ये हो गया. फिर हम लोग क्या करेंगे? Ending का जो walk है, ये ending का walk just you just clap and activate the superficial front line. Okay? Then. Seven to eight times. Then it's activation na. Lose nahi ho sakta. Okay, fir activate kar liya. Then you can see the tone of thigh. You can see the tone, the toning, the healthy thighs. Both thighs you can see before and after. Got it? Then again I'll send to clients into washroom. After washroom I check weight, and after weight I'll check measurement. Okay? About your point of view, that two different. So then upper part of patella 6 inch. In right leg 54, पहले कितना था? 56 था 6 inch में, एंड ये हुआ 54. गॉट इट? देन इसके बाद 9 inch. सिक्सटी थ्री था, यहाँ से 61 हुआ. एंड 12 inch 68 था, 64 हुआ राइट लेग में. 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ. ठीक है? लेफ्ट अबव अपर पार्ट ऑफ पैटेला 6 इंच. फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव था, 4.5 इंच लॉस हुआ. ओके, 9 इंच में 62 था, 59, 3 सेंटीमीटर लॉस हुआ. एंड 12 इंच में 67 था, ये 64 हुआ. ओके,
जस्ट वन सिटिंग किया, जस्ट वन सिटिंग किया, यहाँ पे टू से टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर, ओके राइट लेग में, तो टू यानी नियर अबाउट 0.8, 0.8 एंड फोर डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू 1.6, टोटल 1.6 प्लस 0.8 3.2 इक्वल टू 3.2 इंच हम लोग लॉस किए टोटल फ्रॉम राइट थाइज, ओके एंड इन लेफ्ट थाइज देन यहाँ से आपका 67 से 64 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 56.4 4.5 आपका सेंटीमीटर, देन 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 1.8 इंच हम लॉस किए ऊपर से लेफ्ट का एंड 3 सेंटीमीटर 3 डिवाइडेड बाई 2.5 नियर अबाउट 1.2 प्लस आपका 1.8 तो इक्वल टू 4.2 इंच लॉस किए फ्रॉम लेफ्ट थाइज से, 4.2 इंच टोटल, तो हम लोग नॉर्मली देखेंगे 4. लेफ्ट में डिवाइडेड बाय 3 एरिया का मेजरमेंट लिए थे तो एवरेज 1.4 इंच लॉस हुआ, ये एवरेज 1.4 इंच लॉस हुआ एंड इसमें अगर देखते हैं 3.2 डिवाइडेड बाय आपका 3 तो इक्वल टू 1.06 वन इंच पकड़ो अराउंड लॉस हुआ इधर में टोटल दोनों थाइज में, मैं सेपरेट दिखाया एंड एवरेज दिखा एंड टोटल दिया 7.4 इंच लॉस जस्ट थाइटक्स वन थाइटक्स डन फ्रंट ऑफ यू है वेट लॉस नॉट मच इट्स नियर अबाउट 60 ग्राम्स ओनली इट्स अ इंच लॉस प्रोग्राम गॉट इट ये शेपिंग प्रोग्राम विल मूव सी जो शेपिंग कैसे हो सकता है जितना ड्रेनेज किया ड्रेनेज तो उतना वो से नहीं किया इट्स अ डेमो तो फिर हम लोगों टोटल अगर 7.4 इंच होता है अगर दोनों पैर में मैं इसको एवरेज का तो डिवाइडेड बाय 2 तो मैं 3.7 इंच करके लॉस किया एक दिन में देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट ये तो क्या था ये ट्रेलर था बाद में फिल्म बाकी है अभी तक दैट ये काम शुरू हुआ आफ्टर ये 24-48 आवर्स तक आपका चलता रहेगा इसका रिजल्ट देन क्लाइंट जब आएंगे तो ये बरकरार रहेगा ये वैसे ही रहेगा ओके देन यू रिड्यूस एंड गो टू नेक्स्ट लेवल इसके बाद मैं अगर कैविटेशन दिया तो इससे अमेजिंग यू नो जो मैनुअल ट्रीटमेंट आप कर रहे हो मिनिमम मैनुअल ट्रीटमेंट को ऐड करके फिर कैविटेशन यूज़ कर सकते हो मसल स्टिमुलेटर यूज़ कर सकते हो कैविटेशन इज़ नॉन इन्वेंसिव ट्रीटमेंट हाँ यू आर यूजिंग अल्ट्रासाउंड यू नो अल्ट्रासाउंड का इफेक्ट होता है तो हम लोग देखते थर्मल इफेक्ट होता है नॉन थर्मल इफेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड वी आर यूजिंग फ्रॉम दे नो वेरी वेल इट्स वेरी ओल्ड ट्रीटमेंट बट नाउ इट इज़ ये अभी 40 kHz में आ गया यानी पर बीटिंग जो होता है ये 40,000 बीटिंग Hi, we are already doing thigh treatment at Athens and you know, it's an obesity workshop at Kolkata. Okay, after thigh treatment, it's effective and I want to ask to Shunal about experience the reduction of thigh treatment. Firstly, then I never believed that such a thing is possible. But after coming here and after meeting Dr. Athens and after actually experiencing this, I felt a different feel of my thighs. Initially, I felt while walking my thighs used to rub. But with just with one
treatment, one sitting, I feel like my thighs have become firmer. I have lost almost 900 grams just by one sitting. So you can well imagine if I have to do 10 sittings, how many kilos will I lose, and my thighs will become firmer. And how much inch do you lose from your thighs? Oh yes, I have lost about 2 centimeters on my thighs, and they become firm, and the toning, they become much, there is a tone on my thighs. You are doing your own also, you know. Yes. The person is come in obesity management, they are trying own, you know, it's a learning procedures in scientific management to treat obesity, and it's a spot reduction treatment. And she is very much happy to lose in one sitting, yes. You know. And after this, she will go to her place, and she will try to, you know, give the service foundation. Because Athens Anti-Obesity Foundation is working last 10 years towards Nation Mission Obesity, Diabetes and Cancer of India. And now we are focused on to make the professionals move and move to you know, learn this technique and give the service to our Indians and abroad people, and they are, you know, overcome from their diseases. Thank you very much. My walking has improved because the rubbing of the thighs which was happening, it's not happening any longer. So definitely there is improvement in just one sitting.